दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच का पहले दिन का खेल खेला गया और पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। वहीं इंग्लैंड के कप्तान जो रूट का ये 100वां टेस्ट मैच है, वहीं जसप्रीत बुमराह का ये भारत में पहला टेस्ट मैच है। वहीं इंग्लैंड की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए रोरी बर्न्स और डॉम सिमली आए और दोनों ही बल्लेबाजों ने काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी की और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 20वें ओवर तक 50 रनों की पार्टनरशिप भी हो गई थी और दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी अच्छे तरीके से इंग्लैंड की पारी को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन 24वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने अपनी फिरकी में रोरी बर्न्स को फंसा लिया और उन्हें आउट कर दिया। रोरी बर्न्स 60 गेंदों में 33 रन बनाकर अश्विन की गेंद का शिकार हुए और इस तरह इंग्लैंड का पहला विकेट 63 रन के स्कोर पर गिरा। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए डैनियल लॉरेंस आए और डैनियल लॉरेंस कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने उनको एक भी रन बनाने नहीं दिया और उन्हें आउट कर दिया। डैनियल लॉरेंस बिना खाता खोले आउट हो गए हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए इंग्लैंड के कप्तान जो रूट आए और इंग्लैंड की टीम के लंच ब्रेक तक 67 रन पर 2 विकेट गिर चुके हैं। जहां डॉम सिमली 26 रन बनाकर नॉट आउट हैं, वहीं जो रूट भी 4 रन बनाकर नॉट आउट हैं। जहां शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाजों पर इंग्लैंड के बल्लेबाज हावी होते दिख रहे हैं, लेकिन बाद में जब इंग्लैंड के लगातार 2 विकेट गिरे तब ये पहले दिन का पहला सेशन पूरी तरह भारतीय टीम के पक्ष में आ गया है। अब इसके आगे का खेल लंच ब्रेक के बाद चालू होगा। दोस्तों, आपको क्रिकेट से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं क्रिकेट से जुड़ी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।